हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो C++ को लेकर के बना रहा हूँ। एक छोटा सा डेमो वीडियो है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक प्रोग्राम मैंने लिखा है जिसमें नेम स्पेस का भी कॉन्सेप्ट यूज किया, ऊपर हेडर फाइल है C++ की, और फिर यहाँ पर एक इंटीजर टाइप का वेर नाम का वेरिएबल बनाया है, और ये पॉइंटर वेरिएबल है। पॉइंटर वेरिएबल कैसे है यहाँ पर देख लीजिए, ये इंट के बाद ये स्टार लगा है, दैट्स व्हाई ये पॉइंटर वेरिएबल है। और यहाँ पर मैंने एंड एल को भी यूज किया है। तो अभी इस प्रोग्राम को बारी है रन कराने की, डिटेल वीडियो इस पर लेकर के आऊंगा, लेकिन अभी इसको रन कराते हैं। तो सेव करवाते वक्त ही, कंपाइल करवाते वक्त ही इसको हम सेव कर लेंगे। तो यहाँ पर .cpp जो कि फाइल की एक्सटेंशन होती है, उसी नाम से सेव कर ले रहा हूँ, gg.cpp, कोई भी नाम दे सकते हैं। अगर कोई एरर नहीं है तो प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल्ड हो गया, देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको रन करवाएंगे। तो यहां से चलते हैं, इसको रन करवा लेते हैं। तो यहां पर देख सकते हैं, यहां पर ये 10 प्रिंट हो रहा है, और यहां पर लिखा हुआ है एड्रेस ऑफ वेरिएबल 0x68FEE8, यानी पॉइंटर वेरिएबल। ये पॉइंटर जो है वेरिएबल में रखी वैल्यू का नहीं, बल्कि वेरिएबल का एड्रेस बताता है, जो कि एड्रेस आपको यहां पर दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। एंड एल का क्या काम होता है, और भी चीजें, नेम स्पेस का पूरा कॉन्सेप्ट, इसको पूरा डिटेल में वीडियो लेकर के आगे आऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।